अभी दोस्तों थोड़ा सा रात होता तो और अच्छा था, लेकिन अभी उड़ा रहे हैं इसको, अभी तक छोड़ रहे हैं इसको, तो छोड़ देते हैं। आप लोग दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब 20 तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसमें छोड़ दें। 3, 2, 1 ओ भाई साहब चल दिया, जा रहा है भाई। ओहो तो दोस्तों आज के इस यार मेरे पास है ये बहुत ही कमाल की चीज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है उड़ने वाला पैराशूट, जो कि इसके अंदर एक छोटा सा मोमबत्ती जलता है और इसकी वजह से ये काफ़ी हाईली फ्लेमेबल गैस रिलीज करते हैं, नीचे की तरफ दबाव बनाता है और इस तरह से ये उड़ते जाता है आसमान में। तो यही चीज़ आज हम ट्राई करने वाले हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और देखते हैं ये सच में उड़ता है या फिर नहीं उड़ता है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार इसको बनाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो उसका वीडियो दोस्तों मैंने नहीं डाला है, लेकिन इसका डालेंगे क्योंकि इसको खरीद के लाए मार्केट से। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ पर और इसको देखते हैं किस तरह से इसको उड़ाना है, सिस्टम कुछ इस तरह से देखते हैं। दोस्तों ये पहली बार कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि उड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यार काफ़ी बार मेरा फेल हो गया एक्सपेरिमेंट ना, इसलिए इसका मुझे आइडिया नहीं है, पहली बार उड़ा रहा हूँ। तो इससे कुछ सिस्टम है इसका, इससे सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा ताकत लगा दोगे खोलने में तो ये तुरंत फट जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको सावधानी से करना पड़ेगा। और इसको इस तरह से रखने के बाद फटाफट तो ना है ना चमूड़ा। और दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़ा सा कागज़ के टुकड़े हैं, इसके ऊपर मोमबत्ती को फैलाया गया है जिसकी वजह से ये एक बल्ब टाइप बन गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के अंदर दोस्तों जब हम जलाएंगे तो ये मोमबत्ती की तरह जलता रहेगा, बेसिकली सिंपल सा फार्मूला इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये छोटा सा ऐसे बटर लग रहा है बर्फी मिठाई की तरह। तो इसको सिंपल इसके अंदर क्या करना है कि इसको लेना है यहाँ से और बढ़िया इस तरह से इसके अंदर इसको डाल देना, और डालने के बाद इसको कुछ अंदर से करना, अंदर से कुछ इस तरह से दोस्तों इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसको जलाएंगे, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस भरेगी जिसकी वजह से फूल जाएगा, और गर्म गैस दोस्तों हवा से हल्की होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और जान लीजिए। तो चलिए अब हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं सच में ये उड़ पाएगा कि नहीं, पहली बार फ्रेंड के लाने के लिए। तो इसमें पहले हवा भरते हैं और थोड़ा सा ताकि ये फूल जाए, हालांकि फटे ना, वरना हाथ से करेंगे फट जाएगा तो ये उड़ेगा ना। यहाँ पर कुछ इस तरह से अब इसको हम लाइटर के साथ जलाएंगे, ताकि माचिस से भी जला सकते हैं बट ट्राई करते हैं। तो कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और काफ़ी बड़ा हो गया ना, काफ़ी बड़ा रहा था। अब इसको जलाते हैं लाइटर के साथ से, अब देखना आपको यहाँ से इस तरह थोड़ी देर गर्म करेंगे, उसके बाद एक बार पकड़ लिया तो समझ लीजिए काम हो गया आपका, कुछ भी नहीं कहीं बुद्ध से फाट जाए तो एक ऐसे पकड़ते बताइए। अब दोस्तों ये पकड़ लिया है तो इसको हमें सीधा कर देना है, ताकि इसका फ्लेम जो है इस तरफ ना लगे वरना जल जाएगा ये। अब इसको थोड़े दोस्तों गर्म करने देते हैं, इसका गैस जब इसके अंदर फट जाएगा फुली तो ये ऑटोमेटिक फूल जाएगा और अच्छे तरीके से उड़ने की तैयारी में हो जाएगा, यानी उड़ने लगेगा। छोड़ दो, छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा फटा वो छोड़ दो, अरे डायरेक्ट ना उड़ी उधर तक, पहले जो हो गया इसको थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएगा इसको उड़ाने में जब गैस इसके अंदर बनेगी। तो देखिए देखो चलो बेटा। तो दोस्तों अब मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस भर चुकी है और ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है उड़ने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं छोड़ूंगा तो ये उड़ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसको छोड़ता हूँ और देखते हैं कहाँ पर उड़ के जाएगा। वैसे तो अभी दोस्तों थोड़ा सा रात होता तो और अच्छा था, लेकिन अभी उड़ा रहे हैं इसको, अभी टाइम में छोड़ रहे हैं इसको, तो छोड़ देते हैं। आप लोग दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब 20 तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसमें छोड़ दें। 3, 2, 1 ओ भाई साहब चल दिया, जा रहा है भाई। ओहो यहाँ पर हाई फ्लेमेबल गैस चल नहीं जा रहा था, दिन हम लॉन्च कर दिन गया। अब देखो तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 हो गया, चंद्रयान 4 लॉन्च हो चुका है। वो कहूँ ना रुकी ना बटरी जहाँ तक
ये वो छोटा ही था भैया ना, वो गिर गया ना, वो दूर होएगा नहीं होएगा ना, देख लीजिए चल। तो दोस्तों आपने देखा फाइनली हमारा जो ये पैराशूट था फाइनली सक्सेसफुली उड़ा और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो अभी देख रहे थे बहुत ऊंचाई पर जा चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।